बड़वानी जिले की जनपद पंचायत पानसेमल की पंचायत बलझीरी में आज मतदान है। ऐसे में मतदान केंद्र मेंद्रना पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है ग्राम में मूलभूत सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। पंचायतों के सरपंचों ने स्वयं का विकास किया है, गांव का विकास अवरुद्ध ही है। गांव के विकास की और काम की बातों को लेकर जब पंचायत सचिव से बात की जाती है तो वह धमकाने की तरह बात करते हैं। इसी के चलते मतदान केंद्र मेंद्रना के मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अब तक वोट डालने के लिए कोई भी नहीं गया। मैं मेंद्रना की निवासी हूँ। ये किसमें आता है, कौन सी पंचायत में? ये बालझीरी पंचायत में आता है। क्या कर रहे हैं आप लोग, विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध हमारे जो समस्या है उनको बार बार बोलने पर भी समस्या हमारी सॉल्व करते नहीं, इसलिए हमको तो विरोध करना ही पड़ेगा ना। हमारी समस्या है नाली, हमारे गांव में नालियां नहीं। पहली बात तो इतने साल हो गए, 35 साल से ऊपर हो गए, खंभों पे लाइट नहीं है। हमारे गांव में देख लो आप, कीचड़ देख लो आप। मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे कीचड़ है, तो ये गाँव का विकास तो हुआ नहीं। पहली बात तो हमारा गाँव रोड टच है, तो हमारे गाँव का निवास कैसा होना चाहिए था? अच्छा होना चाहिए था। हम तो सरपंच सचिव को बोल बोल के थक गए हैं कि आप हमारे गाँव में ये वो योजना लाओ, वो योजना लाओ। वो लोग आती भी होगी योजना, वो हमको बताते नहीं। करप्शन के आरोप लग रहे हैं कि आपका भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ हुआ है? किस तरह का, किन योजनाओं में? नाली हो गई है, अभी इतने सालों खंभों पे लाइट नहीं है, शौचालय तो पहले तो अभी मैं बोल दूँ ठीक है, इतना शौचालय हुआ तभी ठीक, इतना तो पर पहले तो महिलाओं को शौचालय के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ता था। तभी ये शौचालय का तो ठीक है, पर अभी गांव में नालियां नहीं है, पानी के साधन नहीं है। मोटर गांव की बिगड़ जाती है तो महीने तक मोटरों की सही नहीं करते वो लोग। अगर बोलने जाओ तो और वहां पे बोलते हैं कि तुम्हारा वो हमेशा हर महीने का यही टेंशन है, बोलते हैं कि तुम हर महीने ये प्रॉब्लम आता है मेरे गाँव में कि मोटर बिगड़ गई। तो हम आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलने के लिए जाएंगे? आप बताओ, सरकार तो आप लोगों को पैसा देती होगी ना गाँव का कि कुछ विकास करने के लिए, तो आप उस विकास का क्यों नहीं गाँव में उपयोग करते हो? मेरा तो यही कहना है, अगर हमारे गांव में अगर ये सुविधाएं देते तो मैं तो वोट दूंगी, नहीं तो मैं किसी को वोट देने दूं ना। अगर कोई देना चाहते हो तो उनकी मर्जी, बाकी हमको नहीं मालूम। सामूहिक रूप से बहिष्कार किया है कि कुछ सामूहिक ही है? सामूहिक है। मैं यही चाहती हूँ कि सामूहिक हो और मेरे गांव में जो जो कमियां है मुझे ये गांव की पूरी चाहिए। अगर वो सरपंच आज भी यहाँ पे खड़े भी हो नहीं भी हो तो भी मैं चाहूँ उनको मेरा संदेश मात्र पहुँचे कि हमारे गांव में ये सुविधा हमको चाहिए, नहीं तो फिर ये गांव में मुंह ना दिखाए। बस क्या नाम है आपका? प्रवीण चौधरी। आज मतदान का दिवस है और मतदान नहीं कर रहे हैं ग्रामीण, जबकि अधिकार है आपको चुनना है अच्छे प्रतिनिधि को, क्या कारण है आप मतदान नहीं कर रहे? सर गांव में कोई कार्य हुआ नहीं है, जब बारिश हो जाती है तो गांव में रोड से तो गांव में आने के लिए तकलीफ होती है। रोड नहीं है, रास्ता ही नहीं है, मतलब जो भी जाने के लिए कीचड़ हो जाता है ऐसा। और बाकी जो भी गटर लाइन बनी है वो भी ढंग से नहीं बनी हुई है, घटिया बनी हुई है, उसमें सरिये नहीं है, ऐसे ही बना दिए। कागजों में सीधे रोड दर्शाया गया और कहा यहाँ से और रोड तक, मेन रोड तक, रोड तो कागज में ही लिखा हुआ है, बना नहीं है आज तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ओंकार पटेल, ग्राम पटेल में। आज वोटिंग का दिन है और आप वोटिंग नहीं कर रहे जबकि अधिकार है आपका, और क्या कारण है आप वोटिंग? हमारे अधिकार का हनन हो रहा है इसलिए हम बहिष्कार करते हैं कि वोटिंग कर रहे। पूरा ग्राम के द्वारा क्या समस्या आ रही है? पूर्व के सरपंचों द्वारा इस ग्राम में कुछ भी चौहे की विकास नहीं किया गया है और जो भी कार्य किए गए वो आधे अधूरे करके छोड़ दिए गए, इसलिए हम घटिया काम। सरपंच सचिव द्वारा धमकाया जाता है। अच्छा, क्या कहा जाता है? बोले हम देख लेंगे, हमारे हिसाब से निपटेंगे। अच्छा, कितनी वोटिंग है ग्राम की? गाँव में कम 735 या 55। आपको अधिकारियों द्वारा भी समझाया गया था कि आपको वोटिंग करना है आज? आज अधिक कोई अधिकारी आए थे, निर्वाचन अधिकारी, उनके द्वारा समझाया गया था कि भाई जो भी समस्या है उसके निराकरण किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा, पर आप ग्राम के जो भी वोटर हैं उनको समझाओ और वोटिंग करवाओ। तो हमने ग्रामवासियों ने सब ने मिल के एक ही निर्णय लिया है कि जब तक समस्या का निराकरण नहीं होता तब तक वोटिंग नहीं करें। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।